नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन में शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की सुर्खियों पर। राजस्थान में जानलेवा हुई भारी बारिश, मकान और दीवार ढहने से चार की मौत। गुरुकुल महाविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बेदासर एसडीएम कार्यालय पर एबीवीपी का प्रदर्शन, रविंदर सिंह भाटी का निलंबन वापस लेने की मांग। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के कई इलाकों में हो रही बारिश अब जानलेवा हो गई है। पूर्वी राजस्थान में लगातार गिर रहे पानी के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लग गए हैं। करौली के सापोटरा इलाके में भारी बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर जाने से पिता पुत्र की मौत हो गई, एक बच्ची पानी में डूब गई। वहीं से सटे भरतपुर जिले में दीवार गिरने से एक पास बैठी महिला की मौत हो गई। बूंदी में भी एक मकान ढह जाने से मासूम बच्ची की मौत हो गई और उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जबरदस्त बारिश के कारण ओवरफ्लो हुए कालीसील बांध पर 3.5 फीट की चादर चल रही है। हालात देखकर शासन की सांसें फूलने लग गई है। करौली में भारी बारिश के कारण हादसा सपोटरा इलाके में हुआ, यहां भारी बारिश आफत बन गई है। बारिश के कारण भागीरथपुरा गांव में मकान की दीवार गिरने से रामचरण गुजर और उनकी बिटिया निशा गुजर की मौत हो गई, जबकि निशा का भाई भी घायल हो गया। खबर सूरतगढ़ से, जहां शोपुरा कस्सी के निकटवर्ती गांव पालीवाला लालपुरा स्थित गुरुकुल फार्मेसी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज पर प्रांगण में प्रदर्शन किया व प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में छात्रों ने लिखा कि उनकी फीस कम की जाए, फीस लेने के बाद रसीद भी दी जाए, जो कि अभी तक किसी भी छात्र को नहीं दी जाती। फीस के बदले जो खाली चेक लिए जाते हैं वो पूरी फीस भरने के बाद वापस किए जाए। पेयजल की व्यवस्था की जाए ताकि अध्यापकों के पूरे पद भी भरे जाए। वहीं एक कॉलेज में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति भी की जाए। छात्रों ने दोहराया कि कॉलेज में फीस के अलावा आवश्यक तरीके से रुपये वसूले जाते हैं जो बंद किए जाए। खबर जयपुर से, जहां कमिश्नरेट के अंतर्गत सेज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर रिंग रोड से लोहे की जालियां व पाइप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 21 जुलाई को रिंग रोड सुपरवाइजर ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि जिस पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राम सिंह, एसपी वैशाली नगर राय सिंह के निर्देशन में सेज थाने में टीम गठित कर चोरों की तलाशी शुरू कर दी। थानाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि गिरोह काफी लंबे समय से सक्रिय था। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों से 4,000 किलो लोहे की जाली व 102 पाइप सहित एक पिकअप बरामद की है। बिदासर से खबर, जहां जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी को निलंबन किए जाने के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेता विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर भाटी का निलंबन वापस लेने की मांग की, साथ ही कॉलेजों की बढ़ती फीस दरों को भी कम करने की मांग की है। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी फीस में रात को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी सकारात्मक वार्ता हुई तत्पश्चात विश्वविद्यालय ने उनको और दो साथियों को निलंबित कर दिया। हम यह पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि उनका निलंबन रद्द किया जाए। तो राजस्थान सरकार से यह हमारा विनम्र अनुरोध है कि जो दो सालों में फीस ली गई है, जबकि कक्षाएं नहीं लगी, परीक्षाएं नहीं हुई, छात्र छात्राओं से आप शुल्क ले रहे हैं, किस चीज़ का ले रहे हैं? दूर दराज से जो गरीब विद्यार्थी सरकारी विद्यालय महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है और वो हमें फीस देता है, आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? उसको रिफंड किया जाना चाहिए और जो निलंबन किया गया है उनको वापस किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया और फीस में राहत नहीं दी गई, तो आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान में युवा शक्ति कैसे आंदोलन करेगी, कैसे गहलोत सरकार को। विश्वविद्यालय ने अपने जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें गाइडलाइन जारी की है कि जो परीक्षाएं देने चलते हैं विद्यार्थी, उन सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट या फिर उनकी फर्स्ट डोज कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। उसके संबंध में आज एसडीएम कार्यालय में हमने सचिन साहब को ज्ञापन दिया है कि विद्यासर महाविद्यालय में जो वैक्सीनेशन का कैंप है वो लगाया जाए ताकि जो बच्चे छात्र हैं छात्राएँ हैं उनका वैक्सीनेशन हो सके और वो परीक्षाओं में आसानी से बैठ सके और परीक्षाएं दे सके। राजधानी जयपुर की चौमू थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 दिन पहले अशोक विहार में दिन दहाड़े हुई वृद्ध की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया था।
घटना के बाद एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। स्पेशल टीम ने आज कार्रवाई करते हुए मथुरा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी यमराज सिंह ने बताया कि आरोपी केशव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। आरोपी बेटे दवेश के कब्जे से लूटे गए 40,000 रुपए चांदी, सोने के जेवरात, बर्तन बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका सावित्री के छोटे बेटे दवेश ने ही पूरी वारदात की योजना बनाई थी। राखी छिपा बड़ोद से खबर, जहां सारथल कस्बे में बारिश का कहर अब प्रचंड रूप ले रहा है, जिसकी भेंट पहले फसलें चढ़ी थी, अब अतिवृष्टि से आशियाने भी जमी दोष हो रहे हैं। क्षेत्र में जारी मूसलाधार वर्षा ने सोमवार तड़के सारथल कस्बा निवासी हुकमचंद गुप्ता का ककोनी मार्ग पर स्थित खेत में बने दो गोदामनुमा मकान की दो तरफा दीवार गिर गई, जिसे चलते प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हुकमचंद ने बताया कि बारिश के कारण गोदामनुमा मकान की दोनों तरफ से दीवारें गिर गई, जिसके चलते मकान में रखा अनाज, कृषि से संबंधित सामान, ट्रैक्टर व दो भैंसों दीवार की चपेट में आ गई, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इस घटना से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चुरू के बेदासर में नवसर्जित सिविल न्यायालय का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिला व सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने फीता काटकर न्यायिक भवन का उद्घाटन किया। अभिभाषक संघ के बैनर तले हुए कार्यक्रम में अपर जिला व सेशन न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी, सिविल न्यायाधीश बबीता वर्मा, एसडीएम शोराम वर्मा भी मौजूद रहे, जिनका अधिवक्ताओं ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। मैं न्यायालय खोलने की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, जो माननीय हाईकोर्ट और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे दर्ज खोली गई है और आज से एक और चालू हो रही है, जिससे विद्यासर की जनता को, वकीलों को तो जल्दी न्याय और जस्टिस है डोर स्टेप प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे विद्यासर के लोगों को काफ़ी लाभ हो गए हैं। भीनमाल से खबर, जहां जीके गोवाणी महाविद्यालय भीनमाल में स्नातकोत्तर में भूगोल व अर्थशास्त्र विषय पर स्नातकोत्तर में जीव विज्ञान रसायन विज्ञान विषय की स्वीकृति करने के लिए ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को लिखित मांग पत्र पर छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। पर झालावाड़ से, जहां पिड़ावा क्षेत्र के गांव खिचड़िया, ढंडेरा, नगरान, नाराना, ग्रामीण पुलिया पर पानी होने से मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर उपखंड अधिकारी को पिड़ावा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि भारी बारिश के से गागरीन बांध फुल हो गया है, जिसे बांध के द्वारा जो पानी नहर में छोड़ा जा रहा था उसका पानी आने से पुलिया पर पानी रहता है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया व पिड़ावा से आने जाने का रास्ता पूर्णतः बंद हो गया है। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां राष्ट्रीय क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में पारस कंवर वहीं सुप्रभा का चातुर्मास चल रहा है। संघ अध्यक्ष मनोहर लाल गांधी ने बताया कि चातुर्मास के दौरान स्थानक से प्रार्थना, प्रवचन, दया, सामयिक, नवकर, मंत्र जाप, जैन प्रश्नोत्तरी, जैन नाटक मंचन आदि का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है। विविध कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं में शर्मन संघ सदस्य, चंदन बाल महिला मंडल व कन्या मंडल, युवा मंडल व बालकों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। खबर दोसा के बांदीकुई से, जहां जयसिंहपुरा खोर में मिश्रा क्लासेस जयसिंहपुरा खोर में 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने कोरोना वायरस जैसे भयंकर महामारी के कारण भी 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का माला व मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया, जिसमें रिधि भारद्वाज 99%, निकिता कोटवानी 98.20%, वंशिका पहलवानी 97.80% सहित अनेक अच्छे छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस परिणाम पर मिश्रा क्लासेस के डायरेक्टर एस के मिश्रा ने सभी बच्चों को उनके परिणाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सफलता भाग्यवान प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि सही मार्गदर्शन और निश्चित तैयारी से मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि पिछले पूरे ईयर कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी वो इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं और हम बहुत हैप्पी हैं कि हमारी कोचिंग से इस साल 90s में ही सारे बच्चे आए, सो वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस आर रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग स्कूल्स के बारे में, पहले तो स्कूल्स को ओपन करना चाहिए, बट उससे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वैक्सीनेशन को देनी चाहिए। जो स्कूल्स हैं उन्हें खुद के स्कूल्स में ही कैंपेन्स लगाने चाहिए वैक्सीन के, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाए, वैक्सीनेटेड होने के बाद भी उनके लिए 1 से 2 आवर्स तक के स्कूल खोले जाए।
बिकॉज प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद भी कहीं ना कहीं पैंडेमिक का डर है, तो इसलिए सिर्फ 1 to 2 hours के लिए सही, लेकिन स्कूल्स को ओपन करना चाहिए बिकॉज पूरे पिछले साल और उससे पिछले साल बच्चे ऑनलाइन बेसिस पे ही पढ़े हैं, और जो बच्चे पिछले साल से पिछले साल 8th में थे वो इस साल 10th में आ गए, लेकिन 2 years में उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो उनके बेसिक्स को क्लियर कराने के लिए उन्हें टीचर्स की गाइडेंस की बहुत नीड रहेगी, और इसलिए वैक्सीनेशन के बाद में स्कूल्स को प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ खोलने की जो परमिशन है वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। साक्षी एंड आई एम वर्किंग एज एन SSC। मेरा नाम अपूर्व अपूर्व। जो इस बार आपने 12th पास करी है, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों अपने कोरोना काल चल रहा है, फर्स्ट कोरोना गाइडलाइंस आई उसके बाद में सेकंड आई, तो आपने पढ़ाई तो इस वक्त की नहीं होगी ऑनलाइन पढ़ाई की, तो इस बार जो आपकी परसेंटेज बनी है कितनी परसेंटेज बनी है आपकी इस बार? मेरी 96.8। तो क्या आप इससे वो इससे आप सेटिस्फाई हो? हाँ बिल्कुल। क्या इससे वो भी आप बना सकती थी? आपको लगता है जब आप पढ़ती तो क्या इससे वो आप ला सकती थी? जी बिल्कुल बना सकती थी। मिश्रा सर और समीर सर की गाइडलाइंस इसी तरीके की थी और लोगों ने हमें इसी तरीके से गाइड किया कि हम इससे ज्यादा बेटर कर सकते। तो जब ऑनलाइन आपने पढ़ाई की तो क्या आपके टीचर्स ने आपको अच्छे से पढ़ाया इस बार ऑनलाइन? जैसे कि आप डिटेल जैसे आप रेगुलर पढ़ती हैं, जैसे स्कूल क्लासेस वगैरह ट्यूशन क्लासेस में आप बैठकर जो पढ़ती थी बोर्ड के सामने जो लिखा होता था, और एक आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया, तो इस बार कैसा महसूस हुआ आपको उस लोगों को पढ़कर? ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके का वातावरण हमारा बना रहता था, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई, और उन लोगों ने हमें गाइड ही इस तरीके से किया था कि हम लोग ऑनलाइन ही इस तरीके से महसूस करते थे कि हम वर्चुअल क्लास। आपको सबसे ज्यादा श्रेय ज्यादा किसके जा रहा है आपको? जी पहले तो मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय दूंगी, और फिर जरूर से मेरे अध्यापक ने मेरी बहुत मदद की है जिसमें मिश्रा सर और समीर सर का पूरा योगदान रहा है, और टाइम में आपने कितना घंटे पढ़ाई करी आपने? लगभग 8 घंटे होती थी पूरे दिन में। क्या नियमित रहता था आपका? मेरा नियमित तो ऐसे कुछ था नहीं, लेकिन सोती 10 बजे थी और उठना 4 बजे का रहता था, तो वो सुबह की स्टडी बहुत काम करती थी, और सर ने जिस तरीके से बोला था कि आप रिवीजन करें तो बस मैंने उस रिवीजन पे फोकस किया है, बस बार बार रिवीजन ही किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी परसेंटेज से, बट उसके अलावा भी मैं बहुत अच्छा कर सकती थी अगर मेरे एग्जाम्स होते तो। आप कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मिश्रा कोचिंग के बारे में? सर मैं कोचिंग में यहाँ से 2 साल से हूँ, मेरा 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया, 12th का भी बहुत अच्छा गया, और मुझे पता है सर अच्छा ही देंगे सब। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।